Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will be discuss about the torch infections. ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टॉर्च इन्फेक्शंस क्या होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉर्च इन्फेक्शंस क्या है, फुल फॉर्म क्या है उसका, कॉजेस क्या है और साइन और सिम्टम्स क्या है टॉर्च इन्फेक्शंस के. ठीक है, ऑल ओवर देखते हैं इस वीडियो में हम लोग पूरा टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टॉर्च इन्फेक्शन क्या है. तो टॉर्च इन्फेक्शन आर द टर्म गिवन टू अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, तो टॉर्च में बहुत सारी बीमारियां हैं, ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं दैट कैन बी पास टू योर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है, मम्मा से बेबी में आ सकती है प्रेगनेंसी के टाइम में, या फिर डिलीवरी के टाइम में, या फिर आफ्टर बर्थ. ठीक है, टॉर्च जो इन्फेक्शन होते हैं ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स है 2-3%. ठीक है, तो ये क्या होते हैं कंजेनाइटल, मतलब जो कि बर्थ के टाइम पे जो प्रेजेंट होते हैं, 2-3% टॉर्च इन्फेक्शंस के कारण ही होते हैं. ठीक है, तो चलिए टॉर्च इन्फेक्शन में क्या क्या आता है. तो टी फॉर है टॉक्सोप्लास्मोसिस, ओ फॉर अदर रीजन में आ जाता है जैसे सिफेलिस एंड हेपेटाइटिस, आर फॉर रुबेला एंड सी फॉर साइटोमगेलो वायरस, और एच फॉर होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस. तो ये ग्रुप ऑफ डिसीजेस है जो कि टॉर्च के अंडर आती है, जो कि प्रेगनेंसी में मदर से बेबी में चले जा सकती है, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी, या फिर आफ्टर द प्रेगनेंसी. तो टॉर्च इन्फेक्शन कैन बी कॉज कॉम्प्लिकेशन टू द प्रेगनेंसी और प्रिवेंट योर बेबी ऑर्गन्स फ्रॉम डेवलपिंग प्रॉपरली. ठीक है, या तो ऑर्गन डेवलप होने में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं ये टॉर्च. तो यस, टॉर्च इन्फेक्शन कैन कॉज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन श्योर प्री मेच्योर बर्थ, मतलब बेबी पूरा बनानी है उससे पहले बर्थ हो सकता है, इंट्रायूट्राइन मतलब अंदर ही यूट्रस में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस हो गया है, मिसकैरेज हो सकता है, स्टील बर्थ बेबी हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ प्रेगनेंसी होता है आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन. दिस ऑल कंडीशंस आर ड्यू टू टॉर्च इन्फेक्शन. ठीक है, मम्मा को इतनी सारी रिस्क होती है टॉर्च इन्फेक्शंस के कारण. अब देखेंगे हाउ डज बेबी गेट द टॉर्च इन्फेक्शन, कहाँ कहाँ से होता है. थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है मम्मा से बेबी में, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मतलब जब डिलीवरी हो रही ड्यूरिंग वेजाइना में तब हो सकता है, या आफ्टर बर्थ मतलब मिल्क से ब्रेस्ट फीडिंग से आफ्टर बर्थ हो सकता है. तो साइन सिम्टम देखेंगे, फीवर, स्लगिसनेस, ट्रबल फीडिंग. ठीक है, फीड करने में बेबी को प्रॉब्लम आ रही है, जॉन्डिस हो सकता है, बेबी का वेट कम है, लो बर्थ वेट है, बेबी को सुनाई नहीं देता है ठीक से, हियरिंग इम्पेयरमेंट, या फिर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है किसमें हार्ट में. दीज आर द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस. ठीक है, ये सारे साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं किसमें टॉर्च इन्फेक्शंस में बेबी में देखने को मिल सकते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ. ठीक है, मोस्ट कॉमन लो बर्थ वेट मिलता ही मिलता है बच्चों में, क्योंकि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, या ब्लूइश और पर्पलिश स्पॉट्स होते हैं जिसको हम ब्लूबेरी रैशेस बोलते हैं, हेपेटोस्प्लीनोमगेली मिल सकती है मतलब ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, मतलब एनलार्ज लीवर, या फिर कैटरेक्ट हो सकता है आँखों में, या फिर माइक्रोसिफेली मतलब स्मॉल है ब्रेन कैसा है हेड छोटा है. आफ्टर एज ऑफ 2 साइंस ऑफ टॉर्च इन्फेक्शन में इंक्लूड, अब 2 साल के बाद क्या देखने को मिल सकता है टॉर्च इन्फेक्टेड बेबी में, लॉस ऑफ विजन हो गया, लॉस ऑफ हियरिंग, सीजर्स मतलब उसको सीजर्स झटके आने लग गए हैं, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज भी मिल सकती है इस बेबी में जब बड़ा होगा तो, अब ग्रो जैसे जैसे ग्रो होगा अब देखोगे उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज देखने को मिलेगी.